रायपुर भूपेश सरकार ने निजी मंडियों पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में जिस कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को पारित कराया है वह राज्यपाल की मंजूरी के लिए अटक गया है। संशोधन विधेयक पर अब तक राज्यपाल ने नहीं किए हैं हस्ताक्षर। रायपुर मरवाही विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव को अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंतरी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य मंत्रीगण भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। रायपुर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकारों की अनुमति को आवश्यक करार दिया। इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा इससे सीबीआई के राजनीतिक उपयोग पर अंकुश लगेगा। रायपुर राजधानी रायपुर में लगातार बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। 24 घंटे के दौरान दो नृशंस हत्याएं हुई हैं, तो वहीं एक युवक की संदिग्ध मौत। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या स्मार्ट पुलिसिंग राजधानी में हो रही फेल। रायगढ़ पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला नगर निगम रायगढ़ जिसने किन्नर समुदाय को अधिकृत रूप से स्वच्छता कमांडो नाम से स्वच्छता सफाई शहर विकास एवं वैश्विक महामारी कोरोना हेतु शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जन जागृति के लिए किया नियुक्त। रायपुर छत्तीसगढ़ के दो मत्स्य कृषकों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। छत्तीसगढ़ में पिछले दो साल में मत्स्य बीज उत्पादन में 13 और मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि। कल 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस पर नई दिल्ली में होंगे सम्मानित। कोरबा लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा के लिए लगाई गई सोलर फेंसिंग कारगर नहीं। हाथी इसके बचाव के लिए पेड़ की टहनी तोड़कर सोलर फेंसिंग को कर रहे ध्वस्त। बीजापुर जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए इनामी महिला नक्सली समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं जवानों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी किया बरामद। जसपुर रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना फिर आई सामने। चाचा ने अपनी नाबालिग भांजी को बनाया हवस का शिकार। घटना की जानकारी 15 वर्षीय नाबालिग ने अपने परिजनों को दी। परिजनों ने और बगीचा थाने में प्राथमिकी कराई दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद सिरफिरे पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम राहौत का।